वो ये भी मजेदार टैग है। जैसे अपन लोग नोटिस लिखते हैं, ये हमारा पेज है ठीक है, नोटिस लिखते हैं लास्ट में क्या आता है जब शुरू से जाता है तो ये कैसा लंबा चौड़ा नोटिस आता है, लंबा चौड़ा लाइन आ जाता है। या फिर दूसरा क्या होता है, ये पूरा लाइन नहीं होके यहाँ पे होता है थैंक्स होता है। तो ये जो लाइन आ जाता है, ये वाला लाइन कैसे आ जाता है, ये तो सिंपल उपाय है कि आप लाइन खींच दो वो आ जाएगा ठीक है। दूसरा है जो HTML फॉर्मेट में लिखने का है उसका एक, उसको एक टैग कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन टैग इसका है H, HR हो गया। बस ऐसे है जैसे BR है ना, ये सिंपल है, इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें अब मैं सिंपल अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, पूरे में आ जाएगा जहाँ पे लगाऊंगा, जब तक इसके आगे BR नहीं लगाऊंगा तब तक तो स्टॉप होगा नहीं ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हाइट विड्थ डिफाइन कर देंगे। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक रखना है और यहाँ से यहाँ तक का 2 mm या फिर 2 cm इसका विड्थ है ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मैंने बताया था एट्रीब्यूट, ये अब एट्रीब्यूट से होगा। जैसे जैसे अपन विड्थ डालेंगे, विड्थ HIGHT हाइट, विड्थ मैंने डाला 2 cm, हाइट मैंने डाला 2 cm, हाइट 2 cm लंबा हो जाएगा 1 cm। तो इसको पास कर देते हैं, इसको पास करता है, इसको एक डाला ठीक है, अब क्लोज हो गया। अब क्या होगा, हमारा हाँ कर सकते हैं वो सब, तो कर ही सकते हैं जो मेन चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ, ये हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब अगर मैंने 5 डाला है इसका भी 5 होगा, अगर हाइट मैंने डाला है तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब जितना भी जो भी हम डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं 5 डाल रहे हैं जो भी हम डाल रहे हैं ना उसके अनुसार वो चेंज हो जाएगा। अगर कुछ नहीं डालेंगे, ये कुछ नहीं डालेंगे तो वो नॉर्मल HR लाइन, बस ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। मजेदार था।